विद्यावती जी, ये सिंहासन मेरे राज्य में मिला है और अब मेरे दरबार की शोभा बढ़ा रहा है और मैं इस राज्य का राजा होकर भी इस सिंहासन पर बैठ नहीं पा रहा हूँ। हे देवी, सिर्फ एक बार आप मुझे इस सिंहासन पर बैठने दीजिए। सब जानती हूँ, परंतु ये सिंहासन उसी राजा का होगा जिसके अंदर महाराज विक्रमादित्य जैसी योग्यता होगी। मैं जानता हूँ, 16 दिन से आप लोग ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना रही हैं जो कार्य मैंने किया ही नहीं, परंतु अब मैं इस सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। ठहरिए राजा भोज, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, सुनाओ। हमारे महाराज विक्रमादित्य राज्य की व्यवस्था देखने के लिए किसी भी समय किसी ना किसी क्षेत्र में पहुंच जाते थे। एक रात वे भेष बदलकर घूमते हुए एक झोपड़ी के पास पहुंचे। ऐसा है तो तुम्हें महाराज के पास जाना चाहिए और उनसे ये सारी बात कहनी चाहिए। तुम क्या चाहती हो कि हम अपनी खुशी के लिए महाराज का जीवन खतरे में डाल दें? नहीं नहीं, मैं बस चुप रहो। आखिर ब्राह्मणी किस लिए ब्राह्मण ऐसी क्या बात है? हमें अंदर चलकर स्वयं उसे पूछना चाहिए। जी कहिए, कौन है आप? हम इस राज्य के राजा विक्रमादित्य हैं। महाराज, आप मेरे झोपड़ी में आइए, अंदर आइए। हम यहाँ से गुजर रहे थे और आप दोनों की बात सुनकर रुक गए। हमें साफ साफ बताओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें हमारे पास क्यों भेजना चाहती थी? महाराज, बात यह है कि हमारे विवाह को 12 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु हमारा ये आंगन एक नन्हे बच्चे की गुंज से वंचित है। संतान का होना या न होना तो भाग्य की बात है। तुम ये बताओ कि हमारी जान किस तरह संकट में पड़ सकती है? महाराज, कल मेरे सपने में एक देवी आई और उन्होंने कहा कि यहाँ से 30 कोस दूर पूरब दिशा के जंगल में कुछ साधु संन्यासी और तपस्वी एक विशाल अग्निकुंड के सामने बैठे साधना कर रहे हैं। वे भगवान शिव की उपासना करते हुए अपने शरीर के अंगों को काट कर हवन कुंड में झोंक रहे हैं। सभी का विश्वास है कि भगवान शिव उन्हें दर्शन देंगे और घबराओ नहीं, बताओ और क्या कहा देवी ने? महाराज, देवी ने कहा कि अगर राजा विक्रमादित्य वहां जाकर अपने अंगों की बलि दे और भगवान शिव को प्रसन्न करके हमारे घर पुत्र होने का वर मांगे तो मेरी पत्नी की गोद हरी भरी हो सकती है। महाराज, हम आपको वचन देते हैं कि आपका आंगन सूना नहीं रहे। आप धन्य है महाराज, आप धन्य है। हे वेतालो, हमारे सामने उपस्थित हो। प्रणाम महाराज। क्या हाल है? ना हड्डी है ना खाल है, तभी लोग कहें हम बेताल हैं। अब हमें पूरब दिशा में उस जंगल तक पहुंचा दो जहां साधु सन्यासी और तपस्वी भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। महाराज, कहीं आपने सन्यास तो नहीं ले लिया? नहीं, हम तो एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी के लिए पुत्र का वरदान मांगने जा रहे हैं। महाराज, आप उस ब्राह्मण पति पत्नी की गोद में हमें डाल दीजिए और हमें भी माँ बाबूजी का प्यार मिल जाएगा। उन्हें संतान के रूप में इंसान चाहिए, वेताल नहीं। अब हमें उस जंगल तक पहुँचा दो। ठीक है महाराज। अब तुम दोनों जाओ। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? महाराज, आप इन कपड़ों में तपस्या करेंगे? ये तुमने सही कहा वेतालो, अब जल्दी से हमें तपस्वी बना दो। अभी लीजिए महाराज, चिंगा लाला बूम बूम। ठीक है, अब हम चलते हैं महाराज।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी तपस्वियों के साथ महाराज विक्रमादित्य ने भी अपने सारे अंग काटकर जला डाला। राजा विक्रमादित्य सहित जब सारे साधु जलकर राख हो गए, तब भगवान शंकर का एक कर्ण वहाँ प्रकट हुआ। उस कर्ण ने मरे हुए तपस्वियों की राख पर अमृत की बूंदें छिड़की और सभी तपस्वी जीवित हो उठे। हे तपस्वियों, भगवान शंकर आप सभी से प्रसन्न है, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। हम सभी आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। अरे ये तो महाराज विक्रमादित्य की राख है। लगता है भगवान शिव का वो गण इन पर अमृत छिड़कना भूल गया। अब क्या करें? हम सभी को महाराज के लिए भगवान शिव का तप करना चाहिए। नमस्कार। हे तपस्वीगण, हम आप सभी के इस तप से प्रसन्न हुए। कहो क्या चाहते हो? प्रभु, ये महाराज विक्रमादित्य की राख है। हम चाहते हैं कि आप इनकी राख पर भी अमृत की बूंदे छिड़क कर इन्हें जीवित कर दें। हे राजन, हम आपकी भक्ति और साधना से प्रसन्न हैं। कहो क्या चाहते हो? प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं, तो हम अपने राज्य के उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी के लिए संतान मांगना चाहते हैं। ऐसा ही होगा। ये कमल का फूल जिस परिवार में रहेगा, वहाँ का आंगन सदैव बच्चों से भरा रहेगा और साथ ही धन की भी वर्षा होती रहेगी। हे विक्रमादित्य, एक तुम्हारे लिए है और एक उस ब्राह्मण पति पत्नी के लिए। धन्यवाद प्रभु। हे वैतालो, हमारे सामने प्रकट हो। कहिए महाराज, हमें हमारे नगर वापस पहुंचा दो। अभी लीजिए महाराज। अब तुम दोनों जाओ। जो आ गया महाराज। महाराज आप आ गए। ये लो ब्राह्मण, ये फूल भगवान शिव ने तुम्हारे लिए दिया है। अब तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि कई संतानों का जन्म होगा और धन की भी वर्षा होती रहेगी। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। समय के साथ साथ ब्राह्मण के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। महाराज विक्रमादित्य स्वयं उन्हें बधाई देने उनके घर पहुँचे। तो सुना आपने राजा भोज, ऐसे त्यागी और प्रजापालक थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भी ऐसा कार्य अवश्य किया होगा। आपने किया है ना राजन? नहीं देवी, ऐसा कार्य तो महाराज विक्रमादित्य ही कर सकते हैं। तो अब क्या इरादा है राजा भोज? इरादा नहीं देवी, मजबूरी है, लेकिन कल फिर आऊँगा। हाँ हाँ अवश्य आइए, कम से कम आप हमारे महाराज विक्रमादित्य की महानता की कहानियाँ तो सुन पाएंगे। हाँ ठीक कहा तुमने, और जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा तो ये कहानियाँ मैं अपने पोते पोतियों को सुनाऊँगा। विचार अच्छा है राजा भोज।